इस लेक्चर के अंदर हम जो बाय डिफॉल्ट जंगो का एडमिन पैनल आता है उसको एक्सेस करेंगे कि उसको हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ ही हम जो कि जंगो हमें बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है यूज़र टेबल, तो उसके अंदर हम एक अपना यूज़र क्रिएट करेंगे और उस यूज़र को क्रिएट करते हुए फिर हम अपना एडमिन पैनल जो है उसको एक्सेस करेंगे। उसके लिए आप टर्मिनल ओपन कर लें। टर्मिनल ओपन करने के बाद आपने जेंगो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, पाइथन स्पेस मैनेज डॉट पी वाई, उसके साथ आप यहाँ पे अब मेक माइग्रेशंस, ये माइग्रेशंस की कमांड है, डेटाबेस से रिलेटेड है। फिलहाल बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कुछ माइग्रेशंस आती हैं, फिलहाल आप इसको मार दें। माइग्रेशंस की ये कमांड इंटर जस्ट हिट कर दें, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, बाद में फिर इसको हम देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। उसके साथ आप एक माइग्रेट करेंगे और ये बाय डिफॉल्ट है। अभी जाके फिर हम जेन्युइन अपनी क्रिएट करने के बाद जब हम इसको क्रिएट करेंगे तो फिर मैं आपको इनसे रिलेटेड बताऊंगा कि ये क्या चीज़ होती है। अगर फिर भी आप इनको रीड करना चाहते हैं तो जेंगो प्रोजेक्ट जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप इन कमांड्स के बारे में रीड कर सकते हैं। बहरहाल ये डेटाबेस से रिलेटेड है, टेबल क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। अभी हमने टेबल्स क्रिएट किए नहीं हैं, जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास हैं हम उनको यूज़ कर रहे हैं। जब उनको यूज़ कर रहे हैं तो आप इनको एज इट इज़ परफॉर्म कर दें। सो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई और माइग्रेट। चलें जी, ये आपके पास ये सारी की सारी डेटाबेस के अंदर चेंजिंग हुई हैं, ठीक है ना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो उसके बाद अब हम जाके वही कमांड देंगे, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, इस फाइल को एक्सेस करना लाजमी है। उसके बाद हम कहते हैं कि क्रिएट सुपर यूज़र, हम एक सुपर यूज़र क्रिएट करेंगे क्योंकि हमने एडमिन पैनल पर जाके लॉग इन होना है, और एडमिन पैनल पर हम तब तक जाके लॉग इन नहीं हो सकते जब तक हमारे पास क्रेडेंशियल्स नहीं है। मीन्स के हमारे पास एडमिन का यूज़र नेम होना चाहिए, उसका पासवर्ड होना चाहिए, एक यूज़र की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वो इन्फॉर्मेशन हम पहले क्रिएट करके यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद जाके हम वहाँ पे एक्सेस करेंगे। सो क्रिएट सुपर यूज़र। अब हमें जो यूज़र ने हम क्रिएट करना चाह रहे हैं उसका यूज़र नेम ऐड करना पड़ेगा। अगर हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं तो मेरे पास उन्होंने ईगल सॉफ्ट को एक्ट किया है कि आप ईगल सॉफ्ट इसको यूज़ कर लेंगे हम अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पे एडमिन इंटर करता हूँ। उसके बाद उन्होंने ईमेल एड्रेस बोला है तो मैं ईमेल यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, gmail.com। आप जो आपका ओरिजिनल ईमेल है वही ऐड कर दें क्योंकि फ्यूचर में भी कि आपको अगर पासवर्ड रीसेट करना पड़ता है तो आप यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद पासवर्ड तो मैं एडमिन ही इंटर कर रहा हूँ। उसके बाद अगेन आप इसको कंफर्म करेंगे तो एडमिन इंटर किया, उन्होंने कहा कि पासवर्ड जो है आपका सिमिलर है, शॉर्ट भी है और कॉमन भी है, क्या आप इसको बाईपास करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ जी हाँ, आप बाईपास इसको कर दें। तो एक जो हमारा सुपर यूज़र था वो क्रिएट हो गया। अब जाके हम इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, मीन्स कि इसको रन करेंगे, और रन सर्वर, ये इसकी कमांड है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। इसको हमने पहले लेक्चर के अंदर ही देखा है। इंटर कर देंगे, हमें जो है हमारा यूआरएल मिल जाएगा, ये हमारा यूआरएल है, इसको हम एक्सेस करके ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट आ गया। अब अगर जाके हमने एडमिन पैनल को एक्सेस करना है, जो कि हम पहले से बात कर रहे हैं इसके अंदर बिल्ट इन है, तो आप स्लैश ऐड करेंगे और उसके बाद आप एडमिन इंटर करेंगे तो आप एडमिन पैनल पे चले जाएंगे। और यहाँ पे मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि आपको यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत है लॉगिन होने के लिए, तो हम एडमिन जो यूज़र नेम क्रिएट किया था उसका यूज़र नेम एडमिन था और पासवर्ड जो क्रिएट किया है वो भी एडमिन है और लॉगिन करते हैं। तो आप यहाँ पे एडमिन पैनल के अंदर लॉगिन हो गए। ओके, तो अगर आप इसको विदाउट यूआरएल के एक्सेस करेंगे तो ये आपका जो है आप समझें कि फ्रंट एंड है। अभी हम इसके अंदर चेंजिंग नहीं कर रहे, फ्यूचर में इसको जाके चेंज करेंगे। और ये आपका जो एडमिन पैनल है जिसपे आप एज ए एडमिन लॉग इन है वो है। ओके okay?